यहाँ पे देख सकते हो मम्मी लाइट लेके बैठी हुई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा थे, हम कोलकाता गए थे एंड कोलकाता से फिर आ गए थे लगभग 4:30 बजे यहाँ घर पे आ गए थे एंड फिर सो गए थे। अभी हम थोड़ी ही देर पहले उठे, अभी एक काम करे एंड फिर काम करके अभी आ चुके हैं, तो अभी ब्लॉग कर रहे हैं। सो लास्ट ब्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग कोलकाता से कुछ सामान लाने के गए थे, तो वो जो सामान है वो हमने एक ट्रांसपोर्ट में दे दिया था, तो सामान भी अभी आ चुका है एकदम बड़ा बड़ा। मतलब हम जितना आपको दिखाए थे उससे फिर बाद में और सामान खरीदे थे, तो वो पैक होकर बहुत ही ज़्यादा बड़ा बोरा बन गया था। तो आपको दिखाते कितना सामान आया है, तो आपको दिखाएंगे। अभी तो खुला नहीं है लेकिन खोल के भी आपको दिखाएंगे क्या क्या लाया है। तो ब्लॉग पे एंड तक जरूर बने रहिएगा, आज को ब्लॉग में बहुत ही मजा आएगा। गाइस, आज को ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या लाया है। यहाँ पे देखिए कुछ इतना सामान ही आया था इसमें, जो कि बहुत ही सामान है, देख सकते हो। अभी इसको खोल के भी आपको दिखाएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये सामान जो है ये हम लोग बाद में लिए थे, इसलिए ये वो जो बोरा था उसमें नहीं डाल पाए थे। तो ये देख सकते हो, अलग से हम लोग लेके आए थे, हम लोग बैग में ही भर के ये ले आए थे। कोई भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, बहुत ही मस्त लगेगा। तो ये हम लोग लेके आए थे, ये लगभग 8x4 फीट का, बहुत ही बड़ा है। एंड इसके पहले ही गाइस ये बोतल वगैरह हम लोग लिए थे जिसमें बहुत ही खूबसूरत लाइट जलता है। चलिए आपको लाइट जला के दिखाते हैं, बहुत ही मस्त जलता है। आप देखिए गाइस, लाइट जलने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हो गाइस, इसके अंदर लाइट है, जो कि यहाँ पे इसका देख सकते हो स्विच है, यहाँ से आप ऑफ ऑन कर सकते हो। ऑन होने के बाद ऐसा लगता है, ऑफ होने के बाद नॉर्मल बोतल जैसा लगता है। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी चालू कर देते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हो गाइस, दो कलर का हम लोग लाए थे, इसमें देख सकते हो मिक्स कलर है। यहाँ पे देख सकते हो ये शायद थोड़ा येलो में है, येलो एंड वाइट है, शायद वाइट है लेकिन येलो लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत ही मस्त। सो गाइज, आपने देखा ये बोतल वाला लाइट कितना मस्त लग रहा है, जो आपको पिछले ब्लॉग में नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी जो भी सामान पसंद आया था वो ले लिए थे। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है लाइट जलते हुए। एंड बाद में इसको हम मतलब लाइन से भी कनेक्ट करके बना देंगे, जैसे अभी ये बैटरी से जल रहा है, तो बैटरी कितना देर में जल पाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन बाद में हम इसको लाइन पर भी कर देंगे कि लाइन से आराम से जल सके। एक बार लाइन दे दिया एंड फिर जलते रहे, क्योंकि बैटरी तो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, तो वो हम कर लेंगे इसमें। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बाकी हम इसको लाइन से बना लेंगे, उतना हमको आता है इलेक्ट्रॉनिक में, बहुत ही चीज़ आता है, तो इसको हम कर लेंगे आराम से। सो गाइज, यहाँ पे बोरा खोल चुके दीदी। यहाँ पे देखिए बाद में जो हम लोग सामान लिए थे, ये बलून वगैरह जो कि आपको पिछले ब्लॉग में नहीं दिखा पाए थे, ये सब हम लोग बाद में लिए थे जब फ्लावर्स ले लिए थे आर्टिफिशियल, उसके बाद ये सब लिए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके, बहुत सारा बलून है जो कि हमारे ग्रेडी पे नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देख सकते हो गोल्डन बलून है, जो कि ये फुल करे ना, बहुत ही मस्त गोल्डन कलर आएगा। अभी आपको गोल्डन जैसा उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, फुला के दिखाओ एक तो गोल्डन वाला कलर है, ये ब्लू है। तो अब इसका कलर देखिए एकदम बदल गया है, कहाँ ये कलर कहाँ ये कलर, एकदम बदल गया, बहुत ही बढ़िया चमक जाता है उड़ने के बाद। एंड फ्लावर वगैरह तो आपको दिखाई दिए थे, ये सब फ्लावर है, बाकी यही सामान है जो बाद में खरीदे थे, ये और लाइट और जो भी सामान आपने देखा, ये यहाँ पे जो घास है अभी बिछा दिए इसको, तो ये सब बाद में खरीदे थे, अब इसको यहीं पे बिछा दिए। कुछ इस तरीके से देख सकते हो बिछने का लगेगा, कारपेट बोल सकते हैं, कारपेट नाम है इसका, शायद कारपेट भी बोल सकते हैं, कोई भी ग्रास मैट। तो यहाँ पे देख सकते हो बिछा चुके हैं हम लोग। आपको बैलून वगैरह दिखा दिए, यहाँ पे देख सकते हो ये सब तो आपको पिछले ब्लॉग में ही दिखा चुके थे, इतना बड़ा बोरा में ये सब फ्लावर वगैरह देख सकते हो, जितना भी आर्टिफिशियल फ्लावर हम लोग लिए थे वो इसी में, बाकी अब आपको दिखा ही चुके थे। इतना सारा फ्लावर है, जो कि गुलाब फूल है, बहुत सारा फूल है, सनफ्लावर है। एंड ये देख सकते हो, ये नहीं दिखाए थे आपको, यहाँ पर देख सकते हो ये है, ये फ्लावर पॉट है, देख सकते हो कोई भी इसमें फ्लावर है आर्टिफिशियल, ये लगा देंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। ये सब यूनिक चीज़ है,
जो कि बहुत सारा हम लोग लिए है डेकोरेशन करने के लिए। ये देख सकते हो ये सब यूनिक यूनिक चीज़, बहुत ही मस्त मस्त चीज़ है। बाकी ये सब सामान हम लोग डेकोरेशन में जब भी यूज करेंगे उसका ब्लॉग तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। बाकी अभी ये सब सामान जो लाए आपको दिखा दिए, कोलकाता से जाके हम लोग इतने सामान लाए क्योंकि यहाँ पे लेते हैं ना जो सामान हम लोग लगभग समझ लीजिए इतने सारे सामान लगभग 20 से 25 हज़ार में ले लिए ना, लगभग 20 हज़ार मान सकते हो, 20 से 25 आप दीदी जानती है, तो वो सब सामान जितना यहाँ पे लिए ना वो लगभग वहाँ यहाँ पे लग जाता है डबल, डबल नहीं तो समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ही लग जाता, बहुत ही ज़्यादा यहाँ लग जाता, तो इसलिए हम लोग कोलकाता जाकर लिए ये सब सामान, तो बहुत ही सस्ता पड़ा। देखिए गाइज ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर हम लोग को खोजने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, इसका नाम देख सकते हो विस्टेरिया। तो ये जहाँ पे मिल रहा था ना वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा दाम बता रहा था, और हम लोग को चाहिए था वाइट कलर का लगभग 5 बंडल, यहाँ पे देख सकते हो एक बंडल में लगभग 12 पीस रहते हैं ये, तो यहाँ पे हम लोग को 5 बंडल चाहिए था, तो जहाँ पे सही दाम बता रहा था वहाँ पे ये मिल ही नहीं पा रहा था, मिल रहा था तो एक पीस मिला था, हम लोग को वाइट चाहिए था लगभग 5 बंडल और मिल रहा था बस एक ही बंडल, तो हम लोग बहुत ही मुश्किल से खोजे इसको एंड फाइनली ये मिल गया था, तो हम लोग 5 बंडल ले लिए, लगभग एक में 12 पीस है, तो आप लोग देख सकते हो कितना पीस हो गया, तो फाइनली हम लोग को ये भी मिल गया था। और ये जो फ्लावर पॉट है ये सब छोटे छोटे सामान हम लोग वहीं पर लिए थे जो कि आप लोग को दिखा नहीं पाए थे, तो अभी दिखा दिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पॉट है, ये सब आपका यूज़ हो जाएगा, जैसे हम लोग का यूज़ हो जाएगा बर्थडे डेकोरेशन में, जहाँ पे केक रखते हैं ना केक टेबल पे ये रख सकते हैं फ्लावर लगा के, कुछ इस तरीके से लगेगा देख सकते हो यहाँ पे जो दिखा रही है। देख सकते हो गाइस हमने सामान कुछ इस तरीके से यहाँ पे सरिया दिया था थंबनेल लेने के लिए, सो थंबनेल हम लोग ले चुके हैं, कुछ इस तरह का हम शो के थंबनेल ले रहे थे जो कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, तो थंबनेल लेने के लिए इतना सरियाए हम, देखिए अभी ये उठा रही है। यहाँ पे देख सकते हो मम्मी लाइट लेके बैठी हुई थी, या थंबनेल पे अच्छा है थंबनेल इसीलिए लाइट दिखा रही थी। सो गाइस अभी बज रहे रात के 8, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे है टुक टुक, बोलो हाय टुक टुक, हाय बोलो हाय, रात के 8:30 बज रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं आयुष की दुकान पर, यहाँ पे देखिए हमारे साथ है निखिल, तो निखिल आज आप लोगों को गाना सुनाने वाला है मुंह से गाकर, तो चलो सुनाओ सिंगिंग करेगा आज निखिल, बताओ गाओ मतलब गाओ, अभी खुद बोला कि आज हम गाना सुनाएंगे लेकिन नहीं सुना रहा आप लोग को, देख लीजिए मतलब कैमरा जब नहीं रहता है तब बोलता है कि हम गाएंगे, जब कैमरा आता है तो बोलता है नहीं गाएंगे, पर्सनल गाना है आदित्य के नाम पर वो बाद में, तो क्या है गाओ तो पहले बंद करो गाना तेरा बेइज्जती हो जाएगा, तो छोड़ेगा इस ये नहीं गाना गाएगा। तो आज का ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आज के ब्लॉग में जितना भी हम लोग कोलकाता से सामान लाए थे, जितना भी शॉपिंग किए थे फ्लावर वगैरह सारा चीज़ आपको आज के ब्लॉग में दिखा दिए, तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को पूरा प्यार दीजिएगा, लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।